हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी के बोर्ड के एग्ज़ाम में निबंध से 9 नंबर का सवाल आता है। आपके हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखने के लिए आता है, जो आपके पेपर में 9 नंबर का होता है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे निबंध लिखने का तरीका और निबंध कैसे याद रखना उसका भी तरीका आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे बोर्ड के एग्ज़ाम में निबंध का यदि प्रश्न पूछता है तो 9 नंबर आप क्लियर कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको प्रश्न में जो देता है कि पर्यावरण प्रदूषण पर 150 शब्दों में या 200 शब्दों में निबंध लिखिए। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, एक अन्य टॉपिक देता है आपको कि प्रदूषण का प्रभाव पे पूछ देता है, या इसके अलावा प्रदूषण और मानव समाज प्रदूषण, एक अभिशाप, सामान्य एवं रोकथाम के बारे में टॉपिक देता रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको यदि प्रदूषण के बारे में पूछा है तो आपको जितने भी पॉइंट बता रहे उसी तरह आप बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपका एग्ज़ामनर एक नंबर भी नहीं काटेगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आपको बताते हैं। पहले फ्रेंड्स, जब भी किसी भी टॉपिक पे आपको निबंध लिखने होगा तो उस पर पहले संकेत बिंदु लिखा कीजिए, यानी कौन कौन से टॉपिक पे आपको लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है कि उसकी भूमिका लिखेंगे भूमिका पे। दूसरा नंबर है कि प्रदूषण के प्रकार और उसके क्या कारण हैं। फिर इसके बाद प्रदूषण से होने वाली हानियाँ लिखिए। फिर इसके बाद प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं। फिर उसका उपसंहार क्या है। तो फ्रेंड्स, इतने पॉइंट को यदि आप बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं तो एग्ज़ामनर आपको पूरा देख के क्या करेगा कि पूरे के पूरा नंबर दे देगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको लिखना कैसे, भूमिका लिखना है। देखिए, भूमिका या हेडिंग डालिएगा। भूमिका हेडिंग डालने के बाद देखिए इसके बारे में लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, जब भूमिका हेडिंग डालिएगा तो इसमें देखिए आप लिखिएगा कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। पहले पॉइंट, जब पहले पेज पे फ्रेंड्स इसको साफ सुथरा लिखना रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। और जैसे लिखे फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के लिखिएगा, ठीक है। रेड पेन से हेडिंग मत डालिएगा, आपको ब्लैक पेन का प्रयोग करना है, ठीक है। ब्लैक पेन से ही लिखिएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में। देखिए, आप लिखिएगा प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। देखिए फिर, प्रदूषण का अर्थ जो होता है, जो हमारे वायुमंडल होता है, जो वातावरण है, वो किसी प्रकार से दूषित होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। देखिए फिर, प्रदूषण का अर्थ जो होता है वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना, यानी उसमें किसी प्रकार का दूषित, जैसे जल हो गया या गैस निकल रहा है, उसके कारण आपका वातावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है, तो हो गया प्रदूषण का अर्थ, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में क्या लिखेंगे कि पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए संतुलन वातावरण की आवश्यकता है। देखिए फ्रेंड्स, आप ही पृथ्वी पर रह रहे हैं तो आपको शुद्ध वायु की आवश्यकता, शुद्ध वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। उसमें किसी प्रकार के वातावरण में किसी प्रकार के अशुद्धियाँ उपस्थित हो जाए जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ होगा तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसमें आपका हर तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे आपको पता है ऑक्सीजन 21% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है, अन्य जो गैसें होते हैं वो कुछ 0.03% में आपको उपस्थित होता है, ठीक है। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो होता है, आपके तत्व जो होते हैं एक निश्चित अनुपात में होते हैं। फ्रेंड्स, यदि इन तत्वों में किसी प्रकार का आपका फेरबदल हो जाए या असंतुलन हो जाए तो उससे क्या होगा कि आपके पृथ्वी पर रहना दुर्लभ हो जाएगा। तो देखिए, वही लिखा है कि जिसमें हर तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है, यदि इनमें से जरा सा भी असंतुलन हो जाए तो वातावरण विषैला हो जाता है, यही आपको क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। तो ये इसके भूमिका के बारे में हो गया। देखिए, भूमिका में आपको क्या करना है, प्रदूषण का अर्थ लिख दीजिए। अर्थ लिखने के बाद उसके बारे में 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप हेडिंग डालिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जितना हेडिंग डालेंगे वो आपके लिए उतना ही बेटर होगा, ठीक है। देखिए क्या है, आपको लिखना है कि प्रदूषण के प्रकार। देखिए, मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रदूषण के 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इसके अलावा फ्रेंड्स, मिट्टी प्रदूषण होता है, फिर रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, ठीक है। अन्य भी प्रदूषण होते हैं लेकिन मुख्य रूप से देखा जाता है तो 3 प्रदूषण माना जाता है। जिसमें देखिए, जल प्रदूषण मतलब क्या होता है कि जल में आपका मिट्टी हो गया, ठीक है, खरपतवार हो गए, उससे उसमें विषैले पदार्थ आपका डाल दिया जाए तो क्या होता है, जल का प्रदूषण होगा, जो पीने योग्य नहीं हो जाएगा, तो जल प्रदूषण के अंतर्गत आ जाता है। वायु प्रदूषण में क्या होता है, चिमनी से निकलने वाला धुआं होता है, आपकी जो गाड़ी चल रहा है, वाहन चल रहा है, उससे निकलने वाले जो धुआं होते हैं उसके कारण क्या होता है, आपका वातावरण दूषित होता है, तो वह हो जाता है वायु प्रदूषण।
ध्वनि प्रदूषण क्या होता है फ्रेंड? ध्वनि प्रदूषण में जो होता है, जैसे आपका वाहन चल रहे हैं उसमें जो हार्न बजता है उसके कारण ध्वनि उत्पन्न होता है। फिर इसके अलावा लाउड स्पीकर का आवाज़ बहुत तेज करके बजाया जाता है जिससे ध्वनि आपके सुनने योग्य नहीं होता है, तो वो होता है ध्वनि प्रदूषण। इसके बारे में इस प्रकार से आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रदूषण का प्रकार हेडिंग डाल के जैसे लिखे हैं फ्रेंड, इसी प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में साफ सुथरा लिखिएगा, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए, अब प्रदूषण के आपके कारण क्या है, किसके कारण आपका प्रदूषण हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है, वो आपका आता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण बताएं फ्रेंड्स कि आपकी जैसे जल प्रदूषण मुख्यतः जैसे नदी, समुद्र और शहरों की अन्य गंदगी, नालियों के दूषित जल को मिलने से आपका क्या होता है कि जल का प्रदूषण होता है, ठीक है। जैसे आपके घर के जो नालियाँ होते हैं उसमें मलमूत्र जा रहे हैं, गंदे पदार्थ जा रहे हैं, ठीक है, नदियों में जाल के मिल जाएंगे, या खेतों में जो आप रासायनिक पदार्थ जैसे यूरिया हो गया, या रासायनिक पदार्थ मिले बरसात के मौसम की वजह से वो बह के आपके क्या और नदी नालों में जाके मिल जाते हैं, जिससे आपका क्या होता है जल प्रदूषण हो जाता है। ये सब मेन कारण है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आपका वायु प्रदूषण क्या है। देखिए वायु प्रदूषण हेडिंग डालिएगा, वायु प्रदूषण में अभी आपको बताएं क्या बताएं कि वायु प्रदूषण उद्योगों की जो चिमनियाँ हैं, चिमनियों से निकलने वाली जो जहरीली धुएं हैं, सड़कों पर चलने वाले वाहन से निकलने वाले धुओं के कारण क्या होता है, वायु का प्रदूषण होता है। समझ में आ गया। फिर इसके बाद ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताएं कि लाउड स्पीकर हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, वाहन चल रहे हैं उससे जो हॉर्न बजते हैं जो आपके सुनने योग्य नहीं होता है, जिससे आप ज़्यादा उसका आवाज़ तेज हो जाएगा तो आपके दिल की धड़कनें बढ़ सकती है और आप बहरापन हो सकते हैं। ये सब जो होता है किसके कारण होता है, टेप रिकॉर्डर के कारण या लाउड स्पीकर के कारण होता है। देखिए यही लिखा है कि वाहनों से निकलने वाले शोर, टेप रिकॉर्डर एवं लाउड स्पीकर के कारण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ये हो गया आपका कारण। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लिख सके लिख दिए भूमिका लिख दिए, फिर लिखे हैं कि प्रदूषण के प्रकार लिखे हैं, फिर प्रदूषण के कारण लिखे हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि आपका प्रदूषण होता है तो उसके क्या हानियाँ आपके लिए है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ आपके हानि के बारे में बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत सिंपल तरीका से लिखे हैं फ्रेंड्स, इतना पॉइंट लिख देते हैं बोर्ड के एग्जाम में तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। प्रदूषण से होने वाली निम्नलिखित हानियाँ हैं, क्या हानियाँ हैं। देखिए फ्रेंड, देखिए नॉर्मल भाषा में आप लिखना रहेगा तो हानि क्या होता है, देखिए लाउड स्पीकर ध्वनि बहुत तेज होगा तो आप बहरापन हो सकते हैं जिससे आपको सुनाई नहीं देगा, दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी जिसके कारण आपकी मृत्यु हो सकती है, वायु का प्रदूषण होगा जिससे आप क्या कर सकते हैं सांस लेने में तकलीफ होगा, ठीक है, जिसके कारण आपकी मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा जल प्रदूषण होता है तो जल प्रदूषण के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, आप वो पीने योग्य नहीं होगा, ठीक है, पानी की किल्लत आ जाएगी, पानी की कमी होगी। यही सब फ्रेंड्स हानियाँ होती है, इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, बस आप हेडिंग सही से डालिएगा फ्रेंड्स। बोर्ड के एग्जाम में हेडिंग सही डालना रहता है, यदि हेडिंग सही डालेंगे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे कुछ लिखे हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। देखिए बताते हैं आपको, प्रदूषण हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हवा में फैले हुए जहरीले सूक्ष्म कण शरीर में घुस जाते हैं, ठीक है, जिससे अलग अलग तरह की खतरनाक बीमारियां होती है, ठीक है। अभी बताए थे आपको कौन कौन सा, दिल का दौरा पड़ेगा, बहरापन हो जाएगा, ठीक है, और आपको कैंसर हो सकता है, हैजा हो सकता है, ठीक है, ये पीलिया हो सकता है, ये सभी क्या है, आपकी वातावरण प्रदूषित होता है उसके कारण ही आपकी ये सब बीमारियाँ उत्पन्न होती है। यहाँ कुछ बीमारियाँ लिखा है फ्रेंड्स बता दें, देखिए क्या है, कैंसर, दिल का रोग, सांस की तकलीफ, आँखों की जलन और एलर्जी आदि होने का खतरा पैदा हो जाता है। देखिए कितने कम शब्दों में लिखे हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स इसके आगे क्या है आपका, इसलिए आज नहीं तो कल अगर प्रदूषण ऐसा ही रहा तो धरती पर मनुष्य का अस्तित्व रहना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मनुष्य आपका पृथ्वी पर रह नहीं पाएंगे यदि प्रदूषण जिस तरह से इस समय वर्तमान समय में बढ़ रहा है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स अगले पॉइंट को देखते हैं, अगला हेडिंग आपको क्या डालना है। देखिए आपका अगला हेडिंग है प्रदूषण को रोकने के उपाय, जैसे आप हानि है तो उसे कैसे रोक सकते हैं। देखिए फ्रेंड, प्रदूषण को रोकना होगा तो आपको पहले सबसे पहले नंबर पर आपका वृक्ष का अधिक से अधिक प्रयोग करना है, यानी वृक्ष को अधिक से अधिक लगाना है, वृक्ष पे जो कट रहा है उस पे रोक लगाना है, दो पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, और जल को प्रदूषित होने से बचाना है, वाहनों का कम से कम प्रयोग किया जाए, ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा कि प्रदूषण को आप रोक सकते हैं। तो देखिए वही पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, उन पॉइंटों का आपको बताते हैं। देखिए क्या है, वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण करके यानी रोक लगा के, कल कारखानों को नगरों से दूर स्थापित करके, अधिक वृक्ष लगाकर,
प्रदूषित मल को नष्ट करके, धुआं रोधी वाहनों का प्रयोग करके, फिर फैक्ट्रियों को शहरों से दूर लगा के, ये सभी पॉइंट आप एक एक पॉइंट करके लिख देंगे। इसके आगे और भी आता है पॉइंट, तो उसको भी आप दो तीन चार पॉइंट बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है। ये रोकने के उपाय है, तो फ्रेंड्स आप रोकने के उपाय को बस हेडिंग याद रखें ना। अब देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है यहाँ पे, अब इतना लिखने के बाद उपसंहार लिखना है। अब उपसंहार का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले पढ़िए फिर उसके बाद समझाते हैं आपको। देखिए प्रकृति से ही हमारा जीवन उत्पन्न होता है, ठीक है, और हमारे जीवन की रक्षा होती है। स्वास्थ्य प्रकृति से ही हमारा जीवन भी स्वास्थ्य और सुखी बनता है। अतः हमारा यह कर्तव्य है कि अपने छोटे स्वार्थों के लिए प्रकृति को दूषित न करें, ताकि पृथ्वी पर जीवन हमेशा चलता रहे। देखिए फ्रेंड्स उपसंहार से मतलब होता है कि जो आप रोक रहे हैं आपको जीवन कैसा अस्तित्व बना रहेगा, नहीं बना रहेगा, ठीक है, आपकी भूमिका क्या हो सकती है प्रदूषण को कम करने के लिए। यदि प्रदूषण इसी प्रकार बढ़ता रहे तो उसे कैसे रोक रहे हैं, वही सभी बातों को यहाँ पे कम शब्दों में लिखना रहता है कि आपका कर्तव्य क्या है, ठीक है, आप प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, यही सब पॉइंट आपको अपने शब्दों में लिखना रहता है। तो यहाँ पे आपको बता दिए। तो फ्रेंड देखिए आपके बोर्ड का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें ये प्रश्न प्रदूषण से संबंधित जो निबंध आता हर साल आता है फ्रेंड्स, तो इस निबंध को आपको याद करके ही जाइए, ठीक है, जिससे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में 9 नंबर पक्का कर सकें। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।